तो अभी टाइम हुआ है 5 बजे है और हम पहुंच गए हैं हैदराबाद टोल प्लाजे पे रुके हैं और यहाँ पे देखिए लोकल फ्रूट इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत फ्रेश फ्रूट है, मैंने खाया भी है सड़क पे खड़े होके। अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या फ्रेश फ्रूट है। लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है, इनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तेलुगु ही बोलते हैं। सीताफल है जो लोकल मार्केट में बहुत है। भिंडी देखा, भिंडी का रंग देखो कितना हरा है। और छली तो लास्ट ईयर भी खाई थी इंडिया राइड पे जब आए थे, बहुत दूर तक मार्केट लगती है, रोज रखा है। ये भी यहीं से लेके आए इधर से, जाड़ से। और ये भी, ये तो नहीं है यहाँ का, इधर ही आए जाड़। ये अच्छा, ये फ्रूट कह रहे हैं कि यहाँ पे खा लिया, अभी बहुत खाया सड़क पे तो अभी और तो नहीं खा सकते। तो अभी हम पी रहे हैं चाय 50 किलोमीटर बिफोर कहाँ से, हैदराबाद। लोग हैदराबादी बिरयानी खाएंगे और हम हैदराबादी चाय पी रहे हैं। मेरे साथ हैं सरदार जी, हरप्रीत जी और मनु भाई और नसीमन। क्या खा लिया? ये समोसा, कौन समोसा खा लिया नरसिम्हन ने वहाँ पे? हम कान समोसा, प्याज का समोसा, जो भी टेस्ट कर लिया हमने वहाँ पे, बहुत खाया कस्टर्ड एप्पल, कितने कितने खा लिए। और हम इनसे जल्दी पहुँच गए, आधा घंटा हो गया यहाँ पे टोल प्लाजा पे रुके हुए और लोकेशन देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं इनकी कि आए इनको रिसीव करें। टोल प्लाजा पे हम खड़े हैं, कितने खुश हैं हम। 600 किलोमीटर हमने कितने बजे शुरू किया था, 8 बजे शुरू किया था, 8 बजे शुरू किया था, 3 बार ब्रेक लिया और हम अब पहुंच गए हैं। टाइम कितना एग्जैक्ट? 5:30 4:30 हुए हैं, टाइम 4:30 हुआ है और हम यहाँ पे 600 किलोमीटर करके आराम से खड़े हैं और अभी भी बड़े हम खुश हैं। और भी जा सकते हैं, बैंगलोर तक जा सकते हैं आज। नरसिम्हन बैंगलोर तक जाएगा, नरसिम्हन का घर है बैंगलोर और अभी भी ये फ्रेश है, चाय पिला दी है। पूछो जाने का बैंगलोर, अभी इधर से मैं रेडी, रेडी और मनु भाई भी रेडी, और इधर से पहले ही रेडी है। हैदराबाद से बैंगलोर में 6 घंटे में क्या? ये टी शॉप है, हमने यहाँ पे टी के साथ बहुत कुछ खाया भी है। हमारे मैक भाई ये बड़े खुश हैं, ये इनकी जो है ना मोटो स्पोर्ट ड्यूक, ये बहुत भागती है और सुबह हमें छोड़ गए थे ग्रुप में से। ये कह रहे थे मुझे जल्दी पहुंचना है, कि मुझे जल्दी पहुंचना है हैदराबाद। हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद और हैदराबाद की बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक नेकलेस लेक है जिसका बिल्कुल ऑपोजिट पे व्यू है, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत रश है सिटी में और हमें आते हुए, मुझे और नरसिम्हन को आते हुए कम, मुझे हम दोनों को आते हुए 1 घंटा हो गया, हम लोग रश में आ रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मेरे पीछे है क्वींस नेकलेस लेक ऑफ हैदराबाद। थक गए ना सुबह 6 बजे से निकले हुए। इश्क बल फेंकाना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून गए है मेरी जमी, अफसोस नहीं जो मेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरे आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, खिल जा इतनी सी है दिल की हर सू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की हर सू। मोदी जी है ना, शक्ल बिल्कुल मोदी जैसी है। उस दौर में जो है ना चारों तरफ जो है ना
लोगों को रोक देते थे रात में, दरवाजे बने होते थे, दरवाजे बने होते थे। हाँ हाँ, यानी कि शहर से जो भी आदमी आया बाहर ही रुक गया। हाँ हाँ, इसके लिए जो है ना ये कमान सेफ्टी के लिए। वो कौन सा है? वो मछली कमान। मछली कमान, और इधर वाले को बोलते हैं काली कमान। काली कमान, और इधर वाले को शेरे बैतुल कमान। शेरे बैतुल कमान, और ये चार कमान। चार कमान। तो हम खड़े हैं चार कमान के पीछे, और पीछे है हमारे चार मीनार। चार मीनार हैदराबाद। सो फाइनली हम हैं चार मीनार के सामने। यहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा रश होता है, और हम आए हैं थोड़ा सा, टाइम हुआ है अभी 11:30 का। इस वक्त आने का रीज़न ये है, देखिए 11:30 बजे हैं और ज़्यादा है टाइम, 12:15 हो गए, और रश अब यहाँ पे इतना ज़्यादा है अभी भी। तो चार मीनार लास्ट टाइम भी आई थी तो मिस हो गया था, तो चार मीनार को आपको अंदर से दिखाते हैं। ये चार दरवाजे बने हैं। मेरे पीछे खड़े हैं हैदराबाद से एक मेरे सब्सक्राइबर है, नहीं एक सब्सक्राइबर है, फैन है बहुत, और वो फैन है, मुझे अशोक जी ने बताया है, मुझे सब लोगों ने बताया कि सर मिलना चाहते हैं, तो अभी आए हैं हम मिलके, बहुत खुश हुए। बता रहे ना, ये सब जो बोल रहे हैं ये सिर्फ जो है हमारा दिल खुश करने के लिए हो रहा है। हकीकत बात तो ये है, मैं ज्यादा अंबिका जी का फैन हूँ, मैं इनके वीडियो ज्यादा देखता हूँ। ये तो इनके साथ ही है, खाली है नहीं, नहीं साथ है ये अब फिलहाल। ये अंबिका जी हैदराबाद आए, अनमोल होटल में रुके हुए हैं, जो हमारे सलीम साहब है यहाँ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, अल्हम्दुलिल्लाह 5 बार चेयरमैन। अब तो बोलना ये है, हम सब राइडर है, मैं एक नया राइडर हूँ, तो ये सब अंबिका जी तो बहुत पुराने राइडर है, सीनियर है हमारे गुरु है। तो सबको एक पैगाम ये है, हिंदुस्तान के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चार आपस में भाई भाई। तो ये राइड शुरू हुई थी दिल्ली से, हमारे भाई के क्या बोलते हैं आपका कौन सा है, घर से शुरू हुई थी राइड, अभी हैदराबाद पे रुके हुए हैं, कल शाम को आए अंबिका जी और इनके साथी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बिरयानी खाया हैदराबाद? हाँ जी, हाँ जी, आपने खाया डिनर में, हमें बिरयानी मिला। अच्छा, चाय भी पिए ना हैदराबाद की? हाँ। तो भाई देखो यार, वो हैदराबाद की चाय, हैदराबाद की बिरयानी, माँ की किरकिरी ऐसी रहती, सबका दिमाग फिरा देती भाई। अकबर बिन तबर बोले ना, यहाँ के खोद डाले अच्छे अच्छों की खबर, ये है हैदराबाद की बिरयानी बोले। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं अंबिका जी, बोलिए। हम रात को गए हैदराबाद की बिरयानी खाई, चाय खाई, फैक्ट हो गया, 12 बजे हम पहुंच गए चार मीनार। हाँ माशाल्लाह, चार मीनार पे फिर वहाँ पे अपने फॉलोजा रहता उधर, और उधर चाय भी रहती। नहीं, 12 बजे बंद हो गया था। बंद हो गया था 12 बजे। अच्छा, नाम लेना था? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद? हाँ, पूरा नाम मोहम्मद ही है। सर का नाम मोहम्मद है। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, इंशाल्लाह जल्दी फिर मिलेंगे हम। इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट रेड अंबिका जी की जो भी होगी अब इनके तरफ से, तो बराबर मैं इसके अंदर हिस्सा लूंगा। थैंक यू। तो मेरे पीछे है औरंगाबाद स्कूल के बच्चे, और इनमें जोश देखिए कितना है, दिखाओ जोश अभी देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन बाइक पर जाना, नारी शक्ति जिंदाबाद, यही कहेंगे हम। और आपके लिए, आपके आगे के जो ट्रैवल है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।
मैम बताइए। हाँ, मैं अंजलि कोलते सरस्वती भवन प्रशाला औरंगाबाद से हूँ। हम यहाँ हैदराबाद को हैदराबाद दर्शन देखने के लिए बच्चों को लेके आए हैं। हमें भी अच्छा लगा, आप भी राइड कर रहे हैं, आपके लिए हैप्पी जर्नी। मेरा नाम संध्या चोले। हम यहाँ हैदराबाद ट्रिप के लिए बच्चों को लेकर आए हैं और आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और आप बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको हैप्पी जर्नी। मेरा नाम चंद्रकला हंडे, मैं एस बी हाई स्कूल औरंगाबाद से हूँ। आपके आगे के ट्रैवलिंग के बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मेरा नाम है छाया महाजन। अमृत महोत्सव के लिए तुम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सो मेरे साथ है कुछ फीमेल्स, तो हम सब नारी शक्ति के लिए एक उदाहरण है। और दूसरा, जो टीचर्स होते हैं वो तो हमेशा ही पूरे देश के लिए एक क्या होते हैं, क्या वर्ड है उसके लिए, देश के लिए हम एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है। बच्चे हमेशा हमें फॉलो करते हैं। सारी मोटिवेशन के रूप में यहाँ पर आई है, इसके लिए आपको बहुत सारे धन्यवाद देती हूँ हमारे स्कूल की तरफ से। और हमारे बच्चियों के लिए आप मिसाल बन सकते हैं। थैंक यू मैम।